गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम राकेश कुमार एंड कमिंग विथ अ न्यू लेसन ऑफ क्लास 3. द लेसन इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और इंडिया द फिजिकल फीचर्स. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. व्हाट इज फिजिकल फीचर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया? ओके, तो आज हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने फिजिकल फीचर में डिवाइड किया गया है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, एट फर्स्ट वी हैव टू मेक अ मैप ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट, look at here carefully and learn from the blackboard. How can I make the map of our country India? Okay, this is the Jammu Kashmir region. The first physical feature of India is the northern mountain. The northern mountain. Northern mountain in India is divided into two parts, two or three part, but actually it is two part. First is here Jammu and Kashmir. And second one is the Purvanchal Hills. The Purvanchal Hills. तो इंडिया का जो फर्स्ट फिजिकल पार्ट है, फीचर है, वह है द नॉर्दर्न माउंटेन. जैसा कि नेम से पता चलता है, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न डायरेक्शन में, नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, हिमालयन रीजन है, हिमालयन रेंज है. ठीक है, और यह जो हिमालयन रेंज है, अब स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक नेवर है, पड़ोसी है, जिसका नेम है नेपाल. ओके, एंड दिस वन इज बांग्लादेश. बांग्लादेश. सो इसलिए हमने यहां पर हिमालयन रीजन को, हिमालयन रेंज को नहीं दिखाया. ठीक है, तो हिमालयन रेंज जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, के बाद अब यहाँ सिक्किम एक छोटा सा स्टेट है,
इंडिया का। इसके बाद फिर नॉर्दर्न पार्ट में यानी नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे जो हैं यह माउंटेनियस रीजन है और इसको हम लोग पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। ओके, पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। नाउ इन साउथ इंडिया द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स सो स्टूडेंट इस मैप को यहां हम लोग कट पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये साउथ इंडिया का छोटा सा छूटा हुआ भाग है जिसको हम यहां पे पेस्ट कर देंगे और ये हमारा वेस्टर्न और ये ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं। ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। फिर इन राजस्थान, जब हम राजस्थान में आएंगे तो यहां हमें अरावली की पहाड़ी मिलेगी जो गुजरात के नॉर्थ, गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के नॉर्थ या हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचता है। कुछ स्टूडेंट दिल्ली गए होंगे और जब हम लोग लोटस टेंपल वगैरह सब देखने जाते हैं तो वहाँ देख लोटस टेंपल के ठीक पीछे यानी वेस्ट में है ना, वेस्ट और साउथ में जो हिल्स हैं वह अरावली हिल्स का ही पार्ट है। ठीक है, ओके। तो ये बट यहाँ क्या है कि दिल्ली हरियाणा में यह नैरो स्ट्रिप के तरह है और बिल्कुल घिस चुका है, पुराना हो चुका है। ठीक है, बट इसकी जैसे जैसे हम लोग राजस्थान के बॉर्डर में आते हैं यह क्या होता है, इसका हाइट जो है वह हाई होने लगता है और एक फेमस हिल स्टेशन भी है अरावली हिल्स में जिसको हम लोग माउंट आबू के नेम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट साउथ इंडिया में फिर माउंटेन रेंज आपको मिलेगा अरावली सॉरी विंध्यान एंड सतपुरा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे माउंटेन्स थे बट नॉर्दर्न माउंटेन को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो नॉर्दर्न माउंटेन में स्टूडेंट हमें पढ़ना है हिमालयन रेंज। ठीक है, हिमालयन रेंज नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड एक छोटा सा स्टेट है जो ये सेवन सिस्टर्स से अलग है, इसको हम सिक्किम बोलते हैं और यह तो ये पूर्वांचल हिल्स के नेम से आता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, हाँ सेकेंड टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिखा देता हूँ। फिजिकल फीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर्स? द वेरियस लैंडफॉर्म लैंड फॉर्म्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स। The various landforms of a country are called the physical features.
फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, प्लेन्स, रिवर, वैली, प्लेट्यू, आइलैंड, डेजर्ट एटसेट्रा। सो तो ये फर्स्ट नॉर्दर्न माउंटेन था। नेक्स्ट वन नॉर्दर्न प्लेन्स। तो स्टूडेंट ये सब जो छोटे छोटे हिल्स और रेंज मैंने आपको बताया ये नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट तो नहीं है, बट हम लोग को माउंटेन में ही इसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन। अब मैं पहले भरवल बता देता हूँ, फिर ये मैप के ऊपर मैं बताऊँगा। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं यह भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो यह प्लेन नॉर्दर्न प्लेन यानी कि साउथ ऑफ हिमालय रेंज, एंड नेक्स्ट दूसरा क्या है कि कोस्ट ऑफ गुजरात टू कन्याकुमारी एंड कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न सिरकार यानी कोलकाता से फिर कन्याकुमारी, ठीक है। इसको हम कोस्टल प्लेन के नेम से जानते हैं, तो ठीक है। तो अब कोस्टल प्लेन हमारा जो यह एरिया है पंजाब से फ्रॉम पंजाब टू असम इसे हम नॉर्दर्न प्लेन के नेम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन यानी साउथ ऑफ हिमालय, साउथ ऑफ हिमालय, ठीक है। फ्रॉम पंजाब टू असम इसे हम नॉर्दर्न प्लेन के नेम से जानते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो रिवर के थ्रू, जैसा कि नॉर्दर्न माउंटेन में क्योंकि यहाँ माउंटेन है और थ्रू आउट द ईयर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर क्या होता है कि आइस हमेशा फॉल होता रहता है और वह समर के टाइम में मेल्ट करता है, ठीक है। और रेनी सीजन में तो ऐसे ही रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, कहाँ से, माउंटेन, क्योंकि माउंटेन जो है वह बहुत सारे रिवर्स का होम है, ठीक है, और वहाँ से ओरिजिनेट होती है बहुत सारी रिवर्स, ठीक है। जैसे गंगा ना, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, इंडस, ओके। तो ये सारी रिवर जो हैं वह माउंटेन से आती है और हमारे प्लेन एरिया में यानी माउंटेन जहाँ एंड करता है प्लेन एरिया में और वह अपने साथ सेडिमेंट सिल्ट ये लाती है और इस एरिया में वह बिल्कुल फैला देती है, स्प्रेड करती है, जिससे कि यहाँ का जो सॉइल है, इस एरिया का जो सॉइल है, यह क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। वेरी गुड, फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलता है, ठीक है। हेल्प कैसे मिलता है, तो उनको कुछ एडिशनल अपने खेतों में अपने सॉइल में और कुछ नहीं देना पड़ता या नॉमिनल देना पड़ता है, बहुत कम देना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि साउथ इंडिया का जो सॉइल है या ये जो एरिया है यह बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वह बहुत फर्टाइल है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, ओके। नेम तो मैंने यहाँ लिखा ही है, मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंट शेड करता हूँ, ठीक है, डिफरेंट सेट करता हूँ। जैसे मैंने इसको माउंटेनियस रीजन को इस तरह से सेट किया है, अब मैं इसको क्या करूँगा, तो इस तरह से ये मैंने प्लस का साइन बनाया, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में साइन सिंबल को भी पढ़ा है, ठीक है, साइन एंड सिंबल में, तो साइन एंड सिंबल को हम मैप में इस तरह से यूज करेंगे, तो वह ओके। और नंबर वन नॉर्दर्न माउंटेन, नंबर वन, नंबर टू, अब यहाँ मैं एक क्या बॉक्स बनाता हूँ, नॉर्दर्न माउंटेन, ये नॉर्दर्न माउंटेन हो गया आपका, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन
ये प्लस वाला जो है साइन, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया। बट इसमें यह है, ये जो कोस्टल प्लेन है इसको भी हम लोग क्या करते जाएंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। ये हमारा नॉर्दर्न और स्टूडेंट आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न प्लेन जो है कोस्टल, यह क्या है कि नैरो है और ईस्टर्न वह वाइडर है, ठीक है। दोनों के कंपैरिजन में हमारा ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वह थोड़ा वाइड है और यह नैरो है, ठीक है। और इस एरिया को हम यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, ये आपका कोस्टल रीजन हो गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, अब नंबर थर्ड, थर्ड क्या है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और इसका लोकेशन जो है वह हमारे कंट्री में राजस्थान में है, यह और इस एरिया को हम लोग थार के नाम से जानते हैं, क्या, थार, टी एच ए आर, थार, ठीक है, थार डेजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। हमारे कंट्री में दो डेजर्ट हैं, एक हॉट डेजर्ट थार एंड सेकेंड वन कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, ठीक है। तो हमारे इंडिया में लगभग सारे तरफ तरह के सारे टाइप्स के क्या हैं, लैंड फॉर्म्स हैं। थार डेजर्ट यानी ये हॉट डेजर्ट है, और इस हॉट डेजर्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट से लोकेट कर लेंगे, ओके स्टूडेंट। नाउ नंबर फोर, प्लेट्यू, नंबर फोर प्लेट्यू, प्लेट्यू इसको हम ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और यह जो प्लेट्यू है हमारा, यह साउथ इंडिया यानी कि साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, एंड बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। यह जो एरिया है हमारा, यह जो आप एक ट्रायंगुलर एरिया देख रहे हैं, ठीक है, यह ट्रायंगुलर एरिया क्या है, तो यह है प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुला क्या होता है उसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा, ठीक है। पेनिनसुला जो कि वी शेप में होता है, या उसको कॉनिकल बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह एक ट्रायंगुलर शेप है, और इस शेप को हम प्लेट्यू और इसका नेम है डेक्कन प्लेट्यू, कौन सा, तो डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू या साउदर्न प्लेट्यू भी हम इसको कहते हैं, या आपका साउदर्न प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू के नेम से यह इसको हम जानते हैं, ओके। साउदर्न इंडिया में भी कुछ रिवर्स हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के जो रिवर्स थे वह थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर उन नदियों में पानी रहता था। क्यों रहता था पानी, तो क्योंकि यहाँ आइस कैप के मेल्ट होने से वह रिवर में उसके वॉल्यूम को, वाटर के वॉल्यूम को बढ़ाता रहता है, जिसके कारण सालों भर इन नदियों में पानी मिलती है। और जनरली सारे रिवर क्या होते हैं, वह
ईस्टवर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। वह उसका जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वह ईस्टवर्ड होता है और बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती है। बट साउदर्न इंडिया की कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो वेस्टवर्ड, जैसे तापी, नर्मदा, ठीक है, माही, ये आपका उल्टी बिल्कुल इस तरह से वेस्टवर्ड बहती हुई अरबियन ओशियन में आकर मिलती है ना। और साउथ इंडिया में कुछ और भी फेमस रिवर्स हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ओके। तो ये सारे रिवर्स थे साउथ इंडिया के। अब साउथ इंडिया के जो का जो सॉइल है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट एक यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिला करता है या देखा जाता है, यहाँ से अकरिंग बहुत सारा होता है क्या मिनरल्स का, ओके स्टूडेंट। नाउ एंड लास्ट आइसलैंड, इंडिया हैज टू आइसलैंड ग्रुप्स, इंडिया के पास दो आइसलैंड ग्रुप है। एक है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जिसका नेम है अंडमान एंड निकोबार, एंड दूसरा वेस्ट साइड में जिसे हम लक्षद्वीप के नेम से जानते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप इंडिया का ये जो साउदर्न पॉइंट है इसके वेस्ट में इस एरिया में यहाँ लक्षद्वीप है जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। और दूसरा अंडमान एंड निकोबार वह बे ऑफ बंगाल में ईस्ट साइड में इस एरिया में, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अंडमान दो पार्ट में बटा हुआ है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान जो है वह नॉर्दर्न आइसलैंड है और निकोबार वह साउदर्न आइलैंड ग्रुप्स हैं। तो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड ग्रुप्स। आइसलैंड ग्रुप्स। सो स्टूडेंट, मैं फिर से इसको एक बार बताता हूं, इंडियाज फिजिकल फीचर्स। इंडिया हैज फाइव फिजिकल फीचर्स। नंबर वन, नॉर्दर्न माउंटेन। इन इंडिया नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया अ फेमस माउंटेन रेंज लोकेटेड विच इज कॉल्ड एज हिमालयन रेंज, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में एक फेमस माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग हिमालयन रेंज के नेम से जानते हैं। अब ये हिमालयन रेंज जो है यह इसको हम लोगों ने यहाँ पे दो पार्ट बनाकर ये दो या दो पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में एक नेपाल और बांग्लादेश, ये दो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, हमारा जो पड़ोसी है वह आता है, ठीक है। यह हिमालयन रेंज का हमारे जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ओके। और इस एरिया को हम लोग पूर्वांचल हिल्स के नेम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन साउथ ऑफ द हिमालय, ठीक है, हिमालय के साउथ में इस एरिया को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के नेम से जानते हैं जो कि बहुत ही फर्टाइल है। और इनके बारे में एक मैं फैक्ट बताता हूँ, इस नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, यह वर्ल्ड में पॉपुलस एरिया है, ठीक है। वर्ल्ड का जो पॉपुलस एरिया है, टू फेमस पॉपुलस एरिया, एक गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, या इसको गैंगटिक प्लेन भी बोलते हैं, है ना। तो यह बहुत पॉपुलस है, बहुत सारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, पब्लिक यहाँ बहुत सारी रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन मिलने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। और नंबर टू था वो चाइना में है, वांगो रिवर वैली, ओके। अब इस प्लेन का कुछ पार्ट हमारा यहाँ है, यह जो एरिया देख रहे हैं यह प्लेन ही है
गुजरात और कोस्टल एरिया, और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, कोस्टल एरिया से होता हुआ या इस तरह से। अब कोस्टल एरिया का कुछ नेम भी है आपके अभी सिलेबस में, यह नेम नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इस कोस्टल एरिया को कुछ नेम दिया गया है और उस नेम से हम लोग उसको जानते हैं। फर्स्ट है कोंकण, गोवा, सॉरी फ्रॉम गुजरात टू गोवा, ठीक है, इस कोस्ट का नेम है कोंकण कोस्ट, फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, गोवा टू कन्याकुमारी, इस कोस्ट का नेम है मालावार कोस्ट। क्या? मालावार, कोंकण एंड मालावार बोथ कोस्ट आर इन इस वेस्टर्न साइड, ठीक है, यानी कोंकण और मालावार जो है वह इंडिया के वेस्टर्न, यह हमारा वेस्टर्न साइड है और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर यह लोकेट है। फिर हम लोग कन्याकुमारी से अब ऊपर की ओर चलते हैं, यानी नॉर्थ की ओर चलते हैं, कन्याकुमारी से जब हम पारादीप, उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा का एक पोर्ट है पारादीप, वहाँ तक जाते हैं तो इसको कोरोमंडल बोलते हैं, ठीक है, किस नेम से इसको बुलाते हैं, कोरोमंडल, एंड फ्रॉम पारादीप टू कोलकाता या बंगाल तक के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। तो इस तरह से यह जो कोस्टल एरिया है, यह जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, इस कोस्टल एरिया को हम लोगों ने चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और इसको फोर नेम दिया, ठीक है, फर्स्ट कोंकण कोस्ट, सेकंड मालावार कोस्ट, थर्ड कोरोमंडल कोस्ट, एंड लास्ट वन नॉर्दर्न सिरकार। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तीसरा है हमारा थार डेजर्ट, जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है ना, और यह क्योंकि टॉरिड रीजन में है, टॉरिड जोन में है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन रिसीव होता है, सन के कारण, और यहाँ पे प्लांट नहीं है, जिसके कारण कि यहाँ का जो सॉइल है वह सैंडी सॉइल है। कैसा है? सैंडी है, बालू पूरा भरा हुआ है, और इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान, ठीक है, या मरुभूमि, और इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड आता है डेजर्ट। ओके, नाउ आफ्टर डेजर्ट, फिजिकल फीचर्स नंबर फोर, प्लेट्यू, साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड ईस्ट ऑफ थर्ड डेजर्ट, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड प्लेट्यू, यानी पठार, ठीक है, और यहाँ का जो सॉइल है वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन की तरह, बट इस रीजन में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स जैसे कोल, कोयला, आयरन, लोहा, मैका, गोल्ड, बहुत सारे और सब जितने सारे ये सब हैं मिनरल्स, ये यहाँ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आइसलैंड ग्रुप, अब इंडिया में अपार्ट फ्रॉम दीज फोर फिजिकल फीचर, ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल पार्ट, एंड दैट वन इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ओके, अंडमान, और यह है आपका लक्षद्वीप, जिसे हम आइसलैंड ग्रुप के नेम से जानते हैं। तो टोटल कितने हो गए? फाइव। अब इस आइसलैंड ग्रुप को हम, इसको ऐसे ही हम ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये फोर हो गए, ठीक है, द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, द इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड ग्रुप। तो आइसलैंड ग्रुप में मैंने स्टूडेंट यहाँ पे आप नोटिस किए कि मैंने इसको ब्लैंक्स छोड़ा है, ठीक है, इसमें कोई भी साइन या सैम्बल नहीं है, और ठीक इसी तरह से यहाँ पे मैंने कोई साइन और सैम्बल नहीं दिया, ठीक है। ओके, सो दिस लेसन इज कंप्लीटेड, एंड नाउ सम होमवर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू
mean by the term physical features question number 2 how many physical features are there in India? And last question is, it is related to project or diagram. Make a map of India and show the physical features okay student I hope all the three questions are very simple and you will complete it okay thank you